हे फ्रेंड्स, माइक्रोवेव हैक्स के मेरे पहले वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया, इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ माइक्रोवेव हैक्स पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं हम क्या है पहला हैक। छोले बनाने के लिए आप इन्हें भिगाना भूल गए हैं? कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने एक माइक्रोवेव सेफ बोल में 1 कप छोले लिए हैं, जिन्हें अच्छी तरह से धोकर उसमें मैं 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसे माइक्रोवेव में रख देंगे और हाई पावर पर 20 मिनट के लिए ऑन कर देंगे। 20 मिनट के बाद हम इसे 10 मिनट का स्टैंडिंग टाइम देंगे, यानी हम इसे माइक्रोवेव में ही रहने देंगे। और टोटल 30 मिनट से, यानी आधी घंटे बाद हम देखेंगे कि छोले हमारे एकदम अच्छी तरह से भीग गए हैं। जो काम आप 7 से 8 घंटे में करते हैं या ओवरनाइट करते हैं, वो यहाँ पर आधी घंटे में ही हो गया है। बस अब नॉर्मली जैसे हम छोले बॉईल करते हैं, वैसे ही बॉईल कीजिए और इसे पका लीजिए। आपके छोले बिल्कुल तैयार हैं। सेम इसी ट्रिक से आप चना, लोबिया या राजमा को भी भिगा सकते हैं। नेक्स्ट हैक है हमारा स्वीट कॉर्न को लेके। मार्केट से भुट्टा लेके आइए और उसे डायरेक्टली माइक्रोवेव में रख दीजिए और इसे हाई पावर पर 5 मिनट के लिए ऑन कर दीजिए। मेरा माइक्रोवेव 900 वॉट्स का है। अगर आपके माइक्रोवेव का वॉटेज डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली आप टाइम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपका स्वीट कॉर्न एकदम परफेक्टली कुक हो गया है। इसका ऊपर के छिलके निकाल दीजिए, साथ ही हस्क निकाल दीजिए और आप देखेंगे कि आपका स्वीट कॉर्न एकदम परफेक्टली बॉइल हो चुका है। चाहे इसे ऐसे ही खाइए या इसकी सब्जी बनाइए, 5 मिनट में आपके स्वीट कॉर्न बिल्कुल तैयार हैं। नेक्स्ट हैक है हमारा, हर्ब्स को हम माइक्रोवेव में ड्राई कैसे करें। यहाँ पर मैं पुदीने का पाउडर बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट लिया है और उसके ऊपर एक किचन टॉवल यानी टिश्यू पेपर को अच्छी तरह से लाइन कर लिया है और उसके ऊपर मैंने पुदीना रख दिया है। अब हम माइक्रोवेव को हाई पावर पर 2 मिनट के लिए ऑन कर देंगे और 2 मिनट बाद हम देखेंगे कि पुदीना हमारा बिल्कुल सूख कर तैयार है। जिस काम को करने में आपको 2 दिन लगते, वो माइक्रोवेव में सिर्फ 2 मिनट में ही हो गया है। और यहाँ पर मैं आपको हाथ से ही पुदीने को क्रश करके दिखा रही हूँ, ये कितना अच्छे से ड्राई हुआ है और कितना इजीली इसका पाउडर बन रहा है, बस हाथ से ही। आप इसे धूप में सुखाते या घर में छाया में सुखाते, कम से कम आपको 2 दिन तो लगते, पर यहाँ पर ये काम 2 मिनट में ही हो गया है। इसी तरह से आप कसूरी मेथी को भी घर पे बना सकते हैं। बाहर से बाजार की पैकेट वाली लाने से बेटर है, आप घर पे ही उसे बना लीजिए, बस 2 मिनट में। सिमिलरली अगर मेरे पास कड़ी पत्ता भी बल्क में आ जाता है तो उसे भी मैं इसी तरह से माइक्रोवेव में ड्राई करके पाउडर बना के रख लेती हूँ और फिर उसे अपनी करीज में यूज करती हूँ। फ्लेवर उसका बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है और कलर भी बरकरार रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कसूरी मेथी को मैंने ऐसे ही 2 मिनट में माइक्रोवेव में ही ड्राई किया है। टमेटोस को ब्लांच करना है या उसकी प्यूरी बनानी है, उसके लिए आप टमाटर के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा नाइफ से कट लगा लीजिए। यहाँ पर मैं क्रॉस बना रही हूँ और इसे हम माइक्रोवेव में रख देंगे और हाई पावर पर 1 मिनट के लिए ऑन कर देंगे। 1 मिनट बाद हम देखेंगे कि टमाटर कितना आसानी से सॉफ्ट हो गया है, इसकी स्किन भी बहुत ही इजीली निकल रही है और आराम से ये इसकी आप प्यूरी बनाइए, चाहे करीज में यूज कीजिए, चाहे चटनी के लिए। आपकी टोमेटो प्यूरी बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए। सुबह सुबह की भाग दौड़ में जब हम बटर को डायरेक्टली फ्रिज से निकालते हैं तो वो बहुत हार्ड रहता है और थोड़ा थोड़ा करके अगर हम उसे मेल्ट करते हैं तो उसमें टाइम भी ज्यादा वेस्ट होता है। बेटर है कि आप बटर को एक माइक्रोवेव सेफ कंटेनर में रखिए और डायरेक्टली उसे माइक्रोवेव में रखकर, यहाँ पर मैं प्लेट का यूज कर रही हूँ, पर अगर आपके पास माइक्रोवेव सेफ बोल है तो आप डायरेक्टली उसे माइक्रोवेव में रख दीजिए। माइक्रो पावर लेवल बटन का यूज कीजिए, माइक्रोवेव की पावर को 20% पर लेके आइए और इसे 20 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। 20 सेकंड में आप देखेंगे कि आपका बटर बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, चाहे इसे टोस्ट पर लगाइए, चाहे सैंडविच के लिए यूज कीजिए।
मैंने यहाँ पर माइक्रो पावर लेवल बटन का यूज इसलिए किया है क्योंकि अगर आप इस बटर को हाई पावर पर 20 सेकंड्स के लिए ऑन करेंगे तो बटर आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, पर अगर आप 20% पावर पर इसे 20 सेकंड्स के लिए ऑन करेंगे तो बटर आपका सॉफ्ट होगा, मेल्ट नहीं, जिसे आप इजीली यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से आप आइसक्रीम्स को भी डायरेक्टली फ्रीजर से निकालकर 20 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करके सॉफ्ट कर सकते हैं। गर्मियों का सीजन चल रहा है और कई बार 1 से 2 दिन में ही काउंटर टॉप पर रखकर हमारी ब्रेड थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। इसे सॉफ्ट करने के लिए आप एक किचन टॉवल या टिश्यू पेपर ले लीजिए, उसे अच्छी तरह से पानी से भिगा लीजिए और कवर कर लीजिए अपनी ब्रेड को इस वेट टिश्यू पेपर से। माइक्रोवेव में रख दीजिए और इसे माइक्रोवेव कर लीजिए 10 सेकंड्स के लिए और 10 सेकंड्स बाद आप देखेंगे कि आपकी ब्रेड एकदम फ्रेश हो गई है। यूज कीजिए इसे ब्रेड पोहा बनाने में या फिर सैंडविच या टोस्ट बनाने के लिए, आपकी ब्रेड एकदम फ्रेश हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। माइक्रोवेव को इफेक्टिवली कैसे यूज करें इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, जिसका लिंक ऊपर में आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे भी देख सकते हैं। कई बार हम ब्रेड को लेके आते हैं और उसे कंज्यूम नहीं कर पाते हैं और वो एक्सपायर होने वाली होती है, तो उसे फेंकने से पहले आप उसके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए और फिर इसे एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट में रख लीजिए और माइक्रोवेव कर लीजिए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपकी ये जो ब्रेड के पीसेस है बहुत हार्ड हो गए हैं। आप इन्हें सूप्स में एज अ ब्रेड क्रूटॉन्स भी यूज कर सकते हैं और अगर आपको ऐसे यूज नहीं करना है तो आप इसके ब्रेड क्रम्स बना के भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से ये हाथ से ही टूट रहा है और इसका पाउडर फॉर्म आ रहा है। आप इन ब्रेड के पीसेस को मिक्सर में चला लीजिए और आपका ब्रेड क्रम्स बिल्कुल तैयार है। एयरटाइट कंटेनर में आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, इससे आपकी ब्रेड वेस्ट भी नहीं होगी। किचन में बर्तनों को यूज करने के लिए हम सब इसी तरह के स्पॉन्ज का यूज करते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि लगातार इन्हें यूज कर करके इनमें भी बैक्टीरिया डेवलप होते हैं जो हमारे किचन के लिए हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इसे डिसइंफेक्ट करने के लिए मैंने एक पानी से भरे बोल में इसे डिप करके अच्छी तरह से स्क्वीज कर लिया है और अब इसे हम माइक्रोवेव में रख देंगे और हाई पावर पर 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। वीक में आप इस प्रोसेस को एक बार जरूर रिपीट करें अपने किचन स्पॉन्ज को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। साथ ही में ये भी बताइए कि आप आगे किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करेंगे। फॉलो कीजिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।